हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को कीटों के आर्थिक महत्व के अंतर्गत लाख के कीट के बारे में बताएंगे, यानी लैक इंसेक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लाख के कीट खटमल के समान सूक्ष्मजीव होते हैं, यानी जिससे खटमल होता है बिल्कुल खटमल की तरह से लाख के कीट दिखते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे जीव होते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? पीपल, बेर, ढाक, अंजीर, बरगद, साल आदि की टहनियों से चिपके रहते हैं। यानी ये जो पेड़ मैंने बताए हैं, इन पेड़ों की टहनियों से, चाहे वो पीपल हो, बेर हो, ढाक हो, अंजीर हो, बरगद हो या साल का पेड़ हो, तो इन वृक्षों के टहनियों से लाख के कीट चिपके रहते हैं। ये गोंदनुमा पदार्थ स्रावित करते हैं, और इनसे कैसा पदार्थ स्रावित होता है? गोंदनुमा जैसे गोंद होता है, बिल्कुल वैसे ही पदार्थ स्रावित होता है जो इन्हें चारों ओर से ढक लेता है। और जो गोंदनुमा पदार्थ स्रावित होता है वो इनको चारों तरफ से ढकता रहता है या ढक लेता है, और बाद में टहनियों के चारों ओर 1 से 2 इंच मोटा अस्तर बना लेता है। यानी बाद में क्या होता है, जैसे जैसे पदार्थ वो स्रावित होता रहता है, गोंदनुमा जो पदार्थ था कीड़े से जो निकल रहा था, वो टहनियों के चारों ओर लगभग में 1 से 2 इंच मोटा अस्तर बना लेता है। लाख तैयार करने के लिए वृक्षों की टहनियों को काट कर गर्म पानी में डाल देते हैं। अब करते क्या हैं, जब 1 से 2 इंच मोटा अस्तर बना लेता है तो लाख तैयार करने या लाख बनाने के लिए क्या किया जाता है कि उन वृक्षों की टहनियों को काट कर गर्म पानी में डाल देते हैं जहाँ पर लाख लगी हुई होती है, जिससे यह जो गोंदनुमा पदार्थ होता है ये अलग हो जाता है। जब गर्म पानी में डाला जाता है तो लाख जो होती है वो टहनी से अलग हो जाती है। अब इस घोल में कुछ रासायनिक पदार्थ डालकर बाजार में मिलने वाले लाख की तरह से तैयार कर लिया जाता है। यानी वो जो घोल बन जाता है गर्म पानी में जब डालते हैं, तो उसी घोल में कुछ केमिकल डाले जाते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं, और उन रासायनिक पदार्थों को डालने से जैसे बाज़ार में लाख मिलती है बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाता है। लाख की खेती करने वाले लाख कीट के अंडों को एकत्रित करते रहते हैं, और ऐसे लोग जो लाख की खेती करते हैं यानी लाख का व्यापार करते हैं, वह लोग क्या करते हैं कि लाख कीट के अंडों को एकत्र करते रहते हैं और नई टहनियों पर पहुंचाते रहते हैं, या कह लीजिए नए वृक्षों की टहनियों पर उसको रखते रहते हैं, पहुंचाते रहते हैं। इस प्रकार से वो खेती करते रहते हैं। आपको बता दें कि हमारे देश में लाख का व्यापारिक स्तर पर निर्माण उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में होता है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर ज़िले में लाख का व्यापारिक स्तर पर निर्माण किया जाता है। लाख से प्रतिदिन उपयोग में आने वाली बहुत सी चीज़ें बनती हैं, यानी जो डेली हम उपयोग करते हैं उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी बनती हैं जो लाख की बनी हुई होती हैं, जैसे चूड़ियाँ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, मोहर लगाने वाला लाख, पेंट, वर्निश, बच्चों के खेल का सामान इत्यादि। यानी जो मोहर लगाने वाले लाख होते हैं वो, पेंट, वर्निश जो होती है, और ग्रामोफोन, चूड़ियाँ जो होती हैं, तो अधिकतर ये लाख की बनी होती हैं। इसके अतिरिक्त रेडियो इत्यादि में तार को जोड़ने के लिए भी लाख का उपयोग किया जाता है। यानी इसके अलावा भी और भी उपयोग में रेडियो इत्यादि में तार को जोड़ने के लिए लाख का प्रयोग किया जाता है। लाख कीट की मादाएं गोल व थैली नुमा होती हैं, यानी जो लाख कीट होता है इसकी जो मादा होती है वो गोल एवं थैली नुमा होती है। इनमें सिर, पंख या पाद आदि कुछ भी नहीं होते हैं, न सिर होता है, न पंख होता है, न पैर होते हैं, कुछ भी नहीं पाया जाता है। इनका शरीर कुछ गोल व चपटा सा होता है। शरीर कैसा होगा? गोल और चपटा सा। इससे 3 अंकुर निकले होते हैं। और नर लाख कीट कैसा होगा? खटमल की तरीके से होता है, उस पर पंख भी होते हैं और पैर दोनों पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से